सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है मतलब शाम का टाइम। शाम से मतलब ये है कि 7:30 का टाइम हो रहा है और बेटा आ गया है ऑफिस से। और आज मैंने उबाली हैं अरवी और साथ में उबाले हैं आलू। तो बनाती हूँ आलू की, अगर अरवी की सब्ज़ी खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो साथ में आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। और बैठ के इन्हें छील लेती हूँ मैं। तो ये देखिएगा, इन्हें बैठ के छिलती हूँ। बोल रहा था मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप अरवी की सब्ज़ी बना लो। और ये देखिए, अरवी जो है कुछ ख़राब निकल रही हैं, कुछ ख़राब क्या, बहुत ख़राब निकल रही हैं। कुछ तो मैंने वैसे भी पर आलू और अरवी दोनों छिल गए हैं। बस अब रसोई में जाती हूँ, फटाफट से सब्जी छोंकती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। कपड़े चेंज नहीं करी हूँ क्योंकि मैं अभी खाना वाना बना के नहाऊँगी धोऊँगी, तो कपड़े वैसे भी दूसरे दिन तो यूज होते नहीं है, तो मुझे भी आलस आता है थोड़ा सा। और इसमें मैंने लगा दिया है जीरे और अजवाइन का तड़का। लहसुन वसन सब छिला हुआ था, सब भूल गए, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको रखना ही भूल गई सब्जी में। बस ऐसे ही मेरा दिमाग पता नहीं कैसे रहता है। और मैंने डाल दिया है इसमें अरवी और थोड़ा सा कट जो है मैं इसी में ही कर लूँगी इसे। और क्योंकि मैं बचा के रखती थोड़ी सी अरवी, लेकिन सब ख़राब निकल गई तो फिर क्या करती। तो अभी बना रही हूँ सब्ज़ी तो इसी में ही कर देती हूँ, तो नमक मिर्च अच्छे से इनमें मैश हो जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया कि मैं बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, ज़्यादा नमक मिर्च होगी खाना होता है बस इसी में ही, कोई ऐसा नहीं कि बस उसमें कुछ और डालना है। टमाटर प्याज भी मैं बहुत कम यूज करती हूँ, और टमाटर खाती हूँ तो सलाद वगैरह में ले लेते हैं, और प्याज भी सलाद में ही मेरा ज़्यादा चलता है क्योंकि सब्जियों में ना प्याज डाल के सब्जियाँ मुझे मीठी लगती हैं। तो इस वजह से बस मैं बस कुछ कुछ खास छोले वोले राजमा वगैरह बनाती हूँ तो उनमें ही प्याज डालती हूँ, बाकी और मैं किसी में भी प्याज नहीं डालती क्योंकि हमारी सब्जी की मात्रा ही बहुत कम होती है, उसमें कितना प्याज डालो और कितना टमाटर डालो। तो इसलिए जो है मैं जब रात को खाना बनाती हूँ तब तो टमाटर डाल देती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे नहीं डालती हूँ। तो ये देखिएगा, क्योंकि सब्ज़ी बाहर जाती है मतलब ऑफिस वगैरह में उसको लेके जाते हैं तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से इसमें मसाले सब मैश कर दिए हैं, नमक मिर्च धनिया वनिया सब डाल दिया है,
और बस इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, जिससे कि क्योंकि सूखी नहीं बनानी है मुझे, थोड़ी तरी बनानी है और तरी वाली ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दूंगी, इससे आसानी से थोड़ा बहुत इसमें मसाला वसाला सब सेट हो जाए। तो ये देखिएगा आप लोग किस तरीके से बना रही हूँ मैं। देखिएगा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। बेटे ने सब्जी के लिए मना कर दिया तो अपने लिए बनाई है मैगी। पता नहीं किस किस तरीके की मैगी अब आने लगी है बाज़ार में। और ये देखिए मेरा खाना मैंने अपने लिए भी रख लिया है, रोटी बन गई है, सब्जी है, एक कटोरी सब्जी खाऊंगी पूरा। और बेटे ने देखिए अपने लिए क्या बनाया है, इसी में ही खाएगा वो एक रोटी, और उसने खाना नहीं है। बस ऐसे ही करते हैं बच्चे, उनको बस ऐसी चीज़ें दिए चले जाओ तो इन्हीं में ही मस्त रहते हैं। तो आ जाइएगा आप लोग भी जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ खाना पीना हो गया है, बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और ज़्यादातर रसोई का सामान मेरा इसी तरीके से रहता है। डेली रसोई साफ़ होती ही होती है, अक्सर जब ठीक होती हूँ तब, और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो तब तो सारा कबाड़ा रहता है मेरी रसोई में। तो ये देखिएगा सारी रसोई मतलब काम सब समेट दिया है, बढ़िया हो गया है। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। जो भी चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग।